शाम कोई शम्मा जला दी जाए हिज़ एक्सलेंसी सफीर हिंदुस्तान जनाब अनिल वाधवा साहब शरा कराम और मोज सामीन मैं सामिया नकवी आज की इस महफिल मुशायरा में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जी चाहता है कि उर्दू जबान पे रोशनी डालते हुए बात शुरू की जाए वो उर्दू जो हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई दिल्ली में परवान चढ़ी जिसने तहजीब व अदब लखनऊ में सीखा वो उर्दू जो मीर की उर्दू थी जो आलिब की उर्दू थी जिसमें इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो जो आज़ादी के मतवाले नौजवानों पर नारे इंकलाब बनकर उतरी जो किसी फ़िरके या मजहब की जबान नहीं बल्कि मोहब्बत करने वालों की ज़बान है मनोवराना साहब ने क्या ख़ूब कहा है वहशत में तार तार गरीबान कर दिया तहज़ीब का असासा भी कुर्बान कर दिया यार ने खुश मज़ाक ने अल्लाह की पना उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया आज यहाँ हर कौम मज़हब अलग मुल्कों के नुमाइंदे इस बात का सबूत फराहम कर रहे हैं कि ये ज़बान किसी महब व मिलत की मोहताज नहीं है मुशायरा वो तहज़ीबी अमल है जो हमें अपने अदब और अपनी ज़बान से जोड़ता है उर्दू शायरी का बेहतरीन मुजाहरा मशारे के जरिए होता है उम्मीद है कि अहिल मस्कत में के उर्दू के चाहने वालों को आज का ये मुशायरा हमेशा याद रहेगा अब मैं जनाब पुशकी नागर साहब जो कन्वीनर उर्दू विंग है उनको स्टेज पर आने के लिए कहूँगी ताकि वह इस्तबाल या से आप सबको सफ़ीर हैं जनाब अनिल वाधवा साहब सदर मुशायरा जनाब गुलजार देलवी साहब शराबरान उर्दो विंग ख़वातीन खान अस्सलाम वालेकुम. मैं उर्दू विंग की जानब से आप सबका इस्तेवाल करता हूँ उर्दू विंग उर्दू की बका के लिए मुसलसल कुछ ना कुछ करता रहता है चाहे वो गज़ल हो, कौवालियाँ हों या आज का मुशायरा हो हाजरीन हम लोग उर्दू तालीम के लिए भी इंडियन स्कूल्स जो उमान में हैं उनके लिए कोशिश में लगे हैं इनशाला जल्द कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे आज के इस मुशायरे के जो हमारे खैर हैं हमारे कर्म फर्मा हैं मैं उनके नाम लेना चाहूँगा इसमें सरे फहरिस्त हैं जनाब आफ्ताब पटेल साहब जो आज के प्रजेंटर हैं बैंक मस्कत डॉक्टर पी मोहम्मद अली गल्फ़ार इंजीनियरिंग से जनाब हीरा लाल बरवानी साहब ओमान और हमारे सपोर्ट स्पॉन्सर्स हैं जनाब अनवर एहसन साहब राहा पॉली प्रोडक्ट से जनाब नितिन खिमजी साहब अलकाफ़ से जनाब वाला साहब टेक्निकल सप्लाइज से हबीबुल्ला साहब मजीस टेक्निकल सर्विसेज से यूसुफ नलवाला साहब अल्लाह से ताउस एग्रीकल्चर जनाब अब्बास काजमी साहब कादरी कंसल्टेंट से मिस्टर मुस्तफा बहलन साहब खिमजी रामदास से शेख कनक खिमजी ओमान रिफ्रेशमेंट से जनाब हसन लाला साहब सेडोलिन पेंट से जनाब पनीर ख़ान साहब जहरा ट्रेवल्स ओमान ट्रैवल एंड टूरिज़म ताउस पावर से जनाब इम्तियाज़ साहब इस प्रोग्राम को मनक़द करने में हमारे चंद दोस्तों का भी साथ रहा है जिसमें हारून ख़ान साहब खुसरो मसूद साहब अनु शेख सोहेल ख़ान साहब सफ़ार हित हिंदुस्तान और मोहतरमा अजरालीम साहबा के मैं चाहूँगा इन सब के लिए ज़ोरदार तालियाँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमारी बहुत मदद की हाज़रीन अब मैं सफ़ीर हिंदुस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्याल का इजहार करें मैं मोहम्मद फैजी से दरख्वा करता हूँ मैं गुजारिश करूँगा कि आज कुछ उर्दू में सुनाए आज पुष्किन साहब को मालूम था कि मैं उर्दू में कुछ लिख के आया हूँ तो पहले से बोल दिया उन्होंने कि आज उर्दू में बात करना पड़ेगा आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स उर्दू विंग आईसी uh, के मेंबर, uh, आज की आज के ख़ास मेहमान और uh, मेरे प्यारे दोस्तों आज एक ख़ुशी की बात है कि uh, उर्दू विंग की का सालाना मुशायरा है और इसमें हम सब हम सब लोग हिस्सा ले रहे हैं और मस्कत के लोग उर्दू विंग के इस मुशायरे को बहुत पसंद करते हैं और हर साल इसका सबको इंतज़ार भी रहता है मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी है कि उर्दू विंग बड़ों और बच्चों के लिए उर्दू ज़बान की क्लासेस चला रहे हैं ये अपने आप में एक बड़ी कम्युनिटी सर्विस है मुशायरा आपको मालूम है उत्तर भारत के कल्चर का एक अहम हिस्सा है और एक ख़ूबसूरत माध्यम है जिसके ज़रिए से आर्टिस्ट अपने टैलेंट को ऑडियंस के सामने दर्शाते हैं और उर्दू मुशायरे की खासियत यह है कि वह ऑडियंस के को शायर के साथ शायरी करने का मौका देता है साथ ही साथ शायर को सोसाइटी के अच्छे और बुरे पहलुओं पर को शायरी का अंदाज़ में बयान करने का भी मौका देता है ज़्यादातर शायर प्यार मोहब्बत गरीबी अमीरी धर्म और पॉलिटिक्स पर दिलचस्प शायरी करते हैं इसके अलावा उर्दू ज़बान को जिंदा रखने में मुशायरों का भी बहुत बड़ा हाथ है मुशायरे का जिक्र करे बिना उर्दू ज़बान की तहजीब का जिक्र अधूरा रह जाएगा और मुशायरे का आगाज़ तकरीबन पंद्रह सोलह शताब्दी में ईरान के पढ़े लिखे तबके से शुरू हुआ था और मुशायरे की जिस तहजीब का लुत्फ आज के दौर में हम लोग ले रहे हैं वो सतर सत्रहवीं शताब्दी में मुकम्मल हुआ था उर्दू शायरी ने अठारहवीं शताब्दी में बहुत मकबूलियत हासिल करी और जो कि उस दौर में मीडिया की कमी थी उर्दू शायरी ने इस कमी को पूरा कर दिया उर्दू की तहजीब तहजीबी जड़ें फारसी तुर्की और अरबी से जुड़ी हुई मिलती हैं और इन जबानों का ख़ूबसूरत मिलन मुशायरे में होता है तो आज के दौर के मुशायरे दुनिया के कई हिस्सों से आते हैं और आज की महफ़िल को चार चांद लगाने के लिए आ, हमारे हमारे बीच आए हैं आ, एक तो आनंद मोहन गुलजार दहलवी साहब और फिर श्री मलिकजादा मंजूर श्री मिराज फैज़ाबादी श्री राहत इंदौरी श्री माजिद देवबंदी श्री श्री सज्जाद झंझट और शिखा श्रीवास्तव और पंडित आनंद मोहन जुच्छी गुलजार दहलवी को एक्चुअली उर्दू पसंद मुजाहिदे उर्दू और शायर कौम का दर्जा देते हैं उन्होंने अंजुमे तगर उर्दू के तहत हज़ारों शायरों को जोड़ा है और प्रोफेसर मलिक ज़्यादा मंसूर मंसूर अहमद ने कंपेयरिंग की दुनिया में हिंदुस्तान और बाहर के मुल्कों में अपना सिक्का जमाया हुआ है वह एक दानश्वर उर्दू दान शायर और नावलिस भी हैं और साथ ही फ़क्रुद्दीन अली अहमद नेशनल कमेटी के चेयरमैन भी हैं सजार झंझट आ, मे, आ, मेराज फैजाबादी की शायरी का आम जिंदगी जीने वाले तबके तप, को ये सब हम तक पहुंचाते हैं और डॉक्टर राहत इंदोरी एक मशहूर शायर हैं पेंटर हैं लेखक हैं जिनकी फ़िलोसॉफिकल शायरी शायरी से मस्कट की ऑडियंस पहले से भी लुफ्फानंदाज हो चुकी है और सज्जाद झंझट एक मजाइ शायर हैं जो हमारा दिल जीतने के लिए आज के मुशायरे का एक अहम हिस्सा है शिखा श्रीवास्तव का ताल्लुक नवाबी शहर लखनऊ से है वह गज़ल की मलिका हैं और आज की महफिल में रंग भरेंगी तो मैं सभी तहे दिल से सभी शायरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उर्दू विंग के कमेटी मेंबर और ख़ास तौर पर पुष्के नागा जी को इस खूबसूरत शाम को सजाने के लिए मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ आज की शाम मैं खुद तो यहाँ पर मौजूद नहीं हो पाऊँगा क्योंकि जब ये तारीख़ मुकर की गई थी तब तो उस टाइम तक मुझे मालूम नहीं था कि आज एक मस्कट के वजीर के यहाँ पर न्योता मिलेगा लेकिन जब वो बाद में आया तो उसके बाद उसको मंजूर करना ही पड़ा तो मैं मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊँगा लेकिन आप सब लोग यहाँ पर आ, मुझे मालूम है आज के मुशायरे का ज़रूर लुत्फ उठाएँगे और उम्मीद है कि आप सभी आज एक शाम को आ, अपनी यादों की एक में एक सुनहरी जगह दे पाएंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया और आशा करता हूँ कि आप सब लोग आ, जो हमारे बीच शायर आए हैं उनकी उनको तालियों से स्वागत करेंगे और उनको थोड़ा प्रोत्साहन भी देंगे थैंक यू मुशारे की महफिल में नसर बोलना मखमल में टाट का पैबंद लगाने की मानंद होता है और आज हमारे बीच ऐसे शहरा कराम तश्री फर्मा हैं जिन्हें उर्दू अदब की आबरू कहा जाए तो कम ना होगा बहुत शुक्रिया। अब मैं स्टेज मलिक मलिकजादा मंजूर अहमद साहब के हवाले करती हूँ जनाब सदर सफ़ी कबीर हिंदुस्तान जो आज के मुशायरे में उन्हें खुशी सी की शिरकत फरमा रहे हैं शौरा कराम ख़वान हजरात ये वाकई मेरी खुशकस्मती भी है कि वो बातें जो मुझे कहनी चाहिए थी मुशारे की इब्तदा में वो हमारे हिंदुस्तान के सफ़ी कबीर ने आप हज़रा के सामने पेश कर दी उन्होंने उर्दू के पस मंज़र पर गुफ्तु की मुशायरों की रवायत पर गुफ्तु की और मुशायरों ने जो मुशतरका तहजीबी रवायात पेश की हैं उनका तस्कर भी उन्होंने अपनी तकलीफ और इस तहजीबी रवायत का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज के मुशायरे की सदारत पंडित आनंद मोहन गुलजार जुत्शी साहेब फरमा रहे हैं जो उम्र में भी हमसे बड़े हैं और उसी के साथ साथ उन्होंने मुशायरों को एक नया रंग अपने कलाम से दिया हिंदुस्तान के मुखलि गोशों से शरा कर को मदबू किया गया है उर्दू शायरी में आजकल जो रवायतें चल रही हैं उन सब की तर्जुमानी आज के मुशायरे में शरा कर अपने कलाम में करेंगे अमूमन यह ख्याल किया जाता है कि उर्दू शायरी के अंदर हुसन वश्क नाजो न्याज हिजर विसाल शौक इंतजार की गुफ्तु होती है लेकिन हकीकत यह है कि अकबाल ने एक नज्म कही है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होता है तो सबसे पहले आंख रोती है और उसी तरह जब समाज में कहीं पर ख़राबी पैदा होती है तो सबसे पहले उसे शायर महसूस करता है तो आप यह मत समझिएगा कि हमारे क़राम सिर्फ़ उस रो इश्क की गुफ्तु करेंगे नाजो जो न्याज हिजर विसाल की गुफ्तु करेंगे बल्कि आपको ये भी देखना है और समझना है कि हमारे समाज के अंदर जो नाहमवारियाँ पैदा हुई हैं उनका तस्करा भी हमारे क़राम बहुत ख़ूबसूरत अंदाज में करते हैं ये हमारी खुशबखती है कि हमारे सफ़ीर मोहतरम ने उर्दू के इस मुशायरे में दिलचस्पी ली दिवाली का त्यौहार आने वाला है उनकी मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं और जाहिर है कि अभी उन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया कि वो थोड़ी देर तक हमारे दरमियान रहेंगे लेकिन उनकी सरपरस्ती की वजह से उर्दू श अदब का और उर्दू जबान का जो तस्करा इस मुल्क में हो रहा है मैं ये समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी कामयाबी हमारे लिए है और अगर ये ना होता तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे सफीर साहब मैं आपसे गुफ्तगु करता रहूंगा मैं ये चाहता हूं कि जब तक हमारे सफीर मोहतरम हैं हमारे सदर मोहतरम अजी उर्दू के बारे में सरतेज बहादुर सपरू ने यह कहा था कि उर्दू मुसलमानों की सिर्फ जबान नहीं है बल्कि एक मुश्तरका तहजीबी रवायत है कि जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर के शरीक हैं और उसका सबसे बड़ा सबूत आप देख रहे हैं कि हमारे आज के मुशारे की सदारत मुजाहिद उर्दू पंडित आनंद मोहन जोत्शी गुलजार देहलवी फरमा रहे हैं उम्र में भी सबसे बड़े हैं मनसब में भी सबसे बड़े हैं और हमारी मुश्तरक तहज़ीबी रवायात को आगे बढ़ाने में हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत ही ग्रा कदर हैं और बहुत ही अहम हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब तक सफ़ीर मोहतरम हमारे यहाँ मौजूद हैं मुझे तो दरमियान में शोरा के तारुफ का मौक़ा मिलता रहेगा मैं आपसे गुफ्तू भी करता रहूँगा शरा क़राम का कलाम भी सुनवाता रहूँगा मुबारकबाद देता हूँ इस तनजीम को कि इस दया के अंदर उर्दू जो हमारी मुश्तरक तहजीबी रवायात की भी अमीन है और उसी के साथ साथ उसका शेर व अदब जो अपनी जगह पर बहुत अहम है उसके लिए कोशा हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू तहजीब उर्दू जबान और उर्दू अदब तीनों चीज़ों को इस मुल्क के अंदर फरोग हासिल हो लेकिन इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पंडित आनंद मोहन जोशी गुलदार जो सदारत फरमा रहे हैं मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में इस तरह का कोई तहजीबी नमूना अब बरदरान वतन में पैदा नहीं होगा अभी आप उनकी तकरीर सुनेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कई हवालों से मैं उनको जानता हूँ अच्छे शायर लेकिन इन्होंने उर्दू के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो काम किए हैं और उर्दू का जो जज्बा पैदा किया है इन्होंने अवाम के अंदर मैं ये समझता हूँ कि वह इतना बड़ा कारनामा है कि शायद किसी दूसरे के हिस्से में ना आया हो तो मैं बड़े अदब और एहतराम से सदर मोहतरम से गुज़ारिश कर रहा हूँ और मैं अपनी बात इस वक्त यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि सफ़ी मोहतरम और आप हजरा उनकी तकरीर भी थोड़ी सी सुन लें और देखें कि उर्दू जबा उर्दू को हम तीन हवालों से जानते हैं उर्दू जबान भी है उर्दू अदब भी है और उर्दू तहजीब भी है और जब इन तीनों चीजों को जोड़ दिया जाएगा तो पंडित आनंद मोहन गुलजार बन जाएंगे मैं सदर मुहतरम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने इब्तदाई खुदबात से हम लोगों को नवाजें पंडित आनंद मोहन गुलजार जोशी दहल जिनाब वादवा साहब सफीर हिंद जनाब पुष्किन साहब रूहे रूान मुशायरा उनके रुफ़ा कार इंतज़ामिया और इस्तालिया के फरिश्ते उर्दू के उशाक उर्दू के दीवाने परवाने और फ़रज़ाने सामयीन हजरात मेरे हमनवा हम मिजाज हम ख्याल हम जबान मासरीन अदबा व शरा अहल इल्म फ़न अहल नज़र और सुखन फहम ये सरज़मी मस्कत वमान का एहसान है कि इन मुक़ल्लफ लोगों के दरम्यान एक काफिर हिंदी मजलूब उर्दू फ़कीर निज़ामी सफ़ीर दिल्ली याद असलाफ खादिम को इस काबिल समझा कि मसंद सदारत पर हाज़री देकर आप हजरात की ख़िदमत में उर्दू ज़बान का कुछ पैगाम दो चार मिनट में पहुंचाऊं मैं वो हिंदू हूं के नाजा है मुसलमान जिस पर दिल में काबा है मेरे दिल है सनम खानों में जोश का कौल है और अपना अकीदा गुलजार हमसा काफिर ना उठा कोई मुसलमानों में दर से उर्दू जबान देता हूं ईमा पे जान देता हूँ मैं अजब हूँ इमाम उर्दू का बुद्ध कदों में अजान देता हूँ हजरा यूं तो दुनिया में उर्दू से कदीम क्लासिकल और सेमी क्लासिकल मतद जबाने हैं खुद हिंदुस्तान में संस्कृत जैसी साइंटिफिक क्लासिकल जबान से आगाज हुआ मगर वाम की लाखों करोड़ों इंसानों की मुंह बोलती जबान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जैनी बौद्ध